अस्सलामुअलैकुम, अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। भाई, ठंडियों का सीज़न तो जाने वाला है, एक बार सरसों का साग मक्के की रोटी तो बनती है ना, तो चले फिर देर किस बात की। सरसों का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और अगर आपको रोटी की रेसिपी चाहिए हो मक्के की, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम एक अलग से वीडियो उसकी बना करके अपलोड कर देंगे। तो आए देख लेते हैं सरसों का साग गोश्त बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 kg रेड मीट, उसके बाद में ये हमने लिए 100 ग्राम ऑफ पालक, ये कुछ 4 से 5 ग्रीन चिलीज लिए हैं जिसको बीच से स्लिट कर लिया, और सेम क्वांटिटी में 100 ग्राम ऑफ सोया लिया है हमने, और ये हमारा 1/2 kg मीट है, तो हम 1/2 kg सरसों का साग डालेंगे। इसको इस तरीके से हमने फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद में ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। उसके बाद में हमें लगेगा 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद में ये कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं कुछ इस तरह से, 1 बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला हमारा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम अपलोड कर देंगे। और 1/2 छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर। उसके बाद में यहाँ पे हमें लगेगा 2 serving spoon होते हैं ना, उतना तेल लगेगा, तो यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल में सरसों के साग गोश्त का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद में ये कुछ साबुत खड़े गरम मसाले हैं कुछ इस तरीके से, 1 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 5 काली मिर्चें। उसके बाद में ये जो ये चम्मच है ना, इसी से हमने 3 चम्मच दही ले लिया है। हमने वेसल रख लिया है अपना, अब हम इसमें सबसे पहले अपना तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया, अब हम अपने ये साबुत खड़े गर्म मसाले डाल देंगे और इसको क्रैकल होने देंगे। थोड़ा कि मसाले हमारे हो गए, अब हमने ये जो प्याज ली थी ना, ये सारी इसमें डाल देंगे। अब एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक पकाएंगे प्याज को। प्याज हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें अपना मीट ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और मीट का कलर चेंज हो जाने तक ही कुक करेंगे। ये हमारा मीट का कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी रॉ स्मेल चले जाने तक ही कुक करेंगे। हमने अदरक लहसुन के साथ भी अपने मीट को अच्छे से भून लिया है, अब ये जो हमने ड्राई स्पाइसेस ली थी ना, ये सारी इसमें ऐड कर देंगे, इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। अभी से ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम आपको क्या बताएं। इस पे हमने ये जो दही लिया था ना, ये भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और दही के साथ भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए दही भी हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, बस अब हम इस स्टेज पे अपनी ये जो ग्रीन चिली स्लिट करी थी ना, ये भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है, अब हम इस स्टेज पे ये जो अपनी सरसों हमने ली थी ना, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ मत डालिएगा क्योंकि आपको फिर मिक्स करने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए अब इस स्टेज पे हम अपनी सोया और पालक भी इसमें ऐड कर देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मेन जो आप कह सकते हैं सीक्रेट है सरसों का साग गोश्त का, वो यही है कि इसमें भुनाई बहुत होती है, तो जितना ज़्यादा आप भूनेंगे ना, उतना ज़्यादा ही फ्लेवर उठ के आने वाला है। लगातार चलाते हुए 15 मिनट तक भुना है, आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे, इस साइज़ का ग्लास होता है, बस ये 1 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और गोश्त को अपने टेंडर होने के लिए अब ढक देंगे। पानी मत डालिएगा क्योंकि ये जो हमने साग और ये सब डाला ना, इनका भी अपना पानी रिलीज़ होगा।
देखिए अब हम इसे कवर कर देंगे। पहले हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद में इसे लो फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा मीट अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा गोश्त टेंडर हो गया है या नहीं। क्या रंगत है ये देखिए, कितना अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ गया है। आइए देख लेते हैं कि हमारा मीट टेंडर हो गया है या नहीं। तो देखिए हम एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से नाइफ लगा के चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं एकदम आसानी से ये अलग हो रहा है। तो हमारा गोश्त गल चुका है, बस अब हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग गोश्त बन के तैयार है, बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, और ये रही हमारी मक्के की रोटी, और इसमें जाएगा बटर। भाई सर्दी का मौसम हो और सरसों का साग गोश्त मक्के की रोटी, मक्खन लगा के नहीं खाया तो क्या खाया। तो भाई हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो चले खाने। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।